हेलो दोस्तों, यूनिक ऑनलाइन में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम बात करते हैं ओ लेवल के बारे में। कुछ प्रैक्टिकल होने वाला है आप लोगों का, ठीक है। प्रैक्टिकल के बारे में जो पहला है M1 R5 का, ठीक है। देखते हैं कि प्रैक्टिकल में क्या क्या पूछता है, आज हम बता रहे हैं आप लोगों को। अगली क्लास भी हमारी चली थी इसी की, और आज की भी क्लास रहेगा हमारा प्रैक्टिकल में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या होता है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्रिएट ए क्लास। पहला क्वेश्चन है क्रिएट ए क्लास ग्रेड शीट यूजिंग कैल्क टूल्स बाय टोटली मार्क ऑफ 5 और मोर देन सब्जेक्ट। कैलकुलेट परसेंट एंड फाइंड ग्रेड बेस्ड ऑन बाउंड्री कंडीशन ऑफ 10 स्टूडेंट, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक आप बनाइए, क्या डाटा बनाइए, ठीक है, और क्लास ग्रेड का, और उसमें क्या क्या करिए, 5 स्टूडेंट रहे उसमें, फाइंड और ग्रेड को क्या करना है, निकालना है, ठीक है। इसमें दिया आप फर्स्टली ओपन लिब्रे ऑफिस कैल्क, ठीक। फर्स्टली क्या करना है, ओपन लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन करना है, ठीक। अगला दिया है क्रिएट फॉलोइंग क्लास ग्रेड सीट एंड फाइंड ग्रेड बाय यूजिंग फार्मूला, ठीक है। तो इसमें देखिए दिया ग्रेड, ग्रेड कैसे निकालना है ये आप सबके लिए इधर दिया गया है कि यस ग्रेड हमारा किससे रहे, अगर 90 से जो है ऊपर रहे तो क्या रहेगा, यस ग्रेड, और 80 से नीचे रहे, ठीक है, 80 से ऊपर रहेगा तो क्या रहेगा, ए, और 70 से ऊपर रहेगा तो क्या बी, 70 से 60 से ऊपर रहेगा सी, 50 से ऊपर डी, ठीक है, 40 से ऊपर ई, और 40 से नीचे एफ, मतलब फेल होता है, ठीक है। चलिए आज हम बनाते हैं कैल्क में इसको कि कैसे क्रिएट किया जाता है। पहले देख लेते हैं किस प्रकार से इसको शो करना है और बनाना है, ठीक। तो ओपन करते हैं, कैसे ये बनेगा पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ ओपन करेंगे, पहला क्या ऑप्शन दिया है कि फर्स्टली ओपन लिब्रे ऑफिस कैल्क, ठीक। चलिए ओपन किया जाए हम लोग। देखिए जो हमको बनाना है इसी प्रकार से बनाना है, पहले नेम लिखना है, ठीक, फिर सब्जेक्ट क्या क्या उनका है, सब्जेक्ट के बारे में लिखना है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ, साइंस, SST, और उसके बाद टोटल मार्क, इन सब में का टोटल मार्क क्या होगा, फिर परसेंटेज निकालना है, फिर क्या निकालना है, ग्रेड निकालना है। इसी प्रकार हमको एक नई सीट लेना है और नई सीट पे क्या करना है, काम करना है। तो सबसे पहले क्या करना हमको पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा क्या, लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन करते हैं, ठीक। कंट्रोल प्लस एन से क्या होता है, न्यू पेज आता है, ठीक। अब इसी पे हमको क्या करना है, बनाना है, क्या करना है, क्रिएट करना है, ठीक है। चलिए देखिए कैसे कैसे बनता है ये देखते हैं हम, एकदम इसी तरीके का बनाना है, ठीक, एकदम इसी तरीके का बनाना है, जैसा इसमें बना है वैसा ही इसमें भी क्रिएट करना है, ठीक है। देखिए आगे देखिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ देखिए दिया क्लास ग्रेड सीट, क्या करना है, क्लास ग्रेड सीट। तो एक काम करिए, 2-3 कॉलम को क्या करना हमको सेलेक्ट करना, 2-3 कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद मर्ज करिए, मर्ज का मतलब मिलाना। तो क्या करिए, मर्ज कर दीजिए। तो एक ही में तीनों कॉलम क्या हो गया, मिल गया है, तीनों कॉलम को मिला के क्या कर दिया, एक कॉलम कर दिया, देखिए इधर, ठीक, एक कर दिया ना। अब इसमें लिखना है क्लास ग्रेड सीट, क्लास ग्रेड सीट दिया है, ठीक। तो इनको हम सेलेक्ट करते हैं और थोड़ा इसका बोल्ड कर दिया जाए, रंग चेंज कर देते, कलर कोई दूसरा लगा दिया जाए, ठीक, कर दें जो कि थोड़ा अच्छा लगने लगे, पहला अक्षर बड़ा लिख देते हैं शिफ्ट के साथ सी, ठीक, इतना लिख लेंगे सभी लोग, कुछ करना नहीं है, सबको सेलेक्ट करना है सेल को और मर्ज करना है। उसके बाद जो लिखना होगा यहाँ पे टाइप करेंगे, उसको थोड़ा बोल्ड कर दीजिए या तो अंडरलाइन भी लगा दीजिए, इनको दोबारा सेलेक्ट करिए, ठीक। सेलेक्ट करने के बाद क्या, वो अंडरलाइन कर दीजिए, देखिए अंडरलाइन भी लग गई, ठीक।
अब करना क्या है ये देखते हैं इसके बाद क्या कह रहा है। ठीक है चलिए, पहले दिया है क्या हमको नेम लिखने के लिए, पहले क्या दिया है नेम लिखना है। ठीक है नेम जिनका जिनका मार्कशीट का निकालना रहेगा, परसेंटेज ग्रेड और टोटल मार्क, पहले उनका क्या करेंगे हम नेम लिखेंगे। क्या नेम देखिए इधर, या नहीं नेम। ओके आगे चलते दूसरे सेल में, अब उनके सब्जेक्ट के बारे में लिखेंगे कि वो कितना कौन कौन सा सब्जेक्ट लिए हैं। मान लीजिए हिंदी है, हिंदी ठीक है, हिंदी और इंग्लिश, इंग्लिश मैथ, मैथ साइंस, साइंस ठीक, साइंस। उसके बाद है SST, यस यस टी ठीक, SST। और कोई सब्जेक्ट है देख लेते हैं इधर, बस ठीक। कितना सब्जेक्ट हो गया, 1 2 3 4 5, पांच सब्जेक्ट है। ये हमारा कौन सा बन रहा, हाई स्कूल का निकाल रहे हैं। ठीक इसके बाद अब क्या करेंगे हम आगे देखिए, टोटल क्या करना है, टोटल निकालना, TO TAL ठीक है। सबका क्या करेंगे हम टोटल निकालेंगे। इसके बाद क्या हमको करना है ये देखिए, इसमें परसेंटेज क्वेश्चन एक बार ओपन कर लेते हैं, क्वेश्चन के आधार से करते हैं। देखिए पहले हमको क्या करना है, टोटल निकालना है। ठीक उसके बाद क्या करना है, परसेंटेज निकालना, देखिए कैलकुलेट करना है टोटल का। ठीक उसके बाद परसेंटेज निकालना, फिर क्या करना है फाइंड ग्रेड, दोबारा हमको क्या करेंगे हम ग्रेड को फाइंड करेंगे। ठीक देखिए टोटल हो गया, आप क्या करना है परसेंटेज, क्या करना है परसेंटेज, परसेंटेज निकालेंगे। उसके बाद आगे कौन सा क्या करना है, ग्रेड, ग्रेड निकालना है, ग्रेड निकालना है। ठीक है देखिए इधर ग्रेड सब में हो गया, क्या क्या किए हैं ये देखिए एक बार दोबारा। सबसे पहले नेम लिखेंगे, हिंदी लिखेंगे, सब्जेक्ट उसका क्या क्या रहेगा, इंग्लिश मैथ साइंस SST। उसके बाद सबका हम क्या करेंगे, एक एक करके टोटल निकाल लेंगे कि वो पांचों सब्जेक्ट में कितना नंबर पाए हुए हैं, जिसका नाम रहेगा उसका पांचों सब्जेक्ट में कितना पाए हैं। उसके बाद परसेंटेज निकालेंगे कि वो पांचों सब्जेक्ट के मिला के कितना परसेंट पाए हैं। फिर क्या करना है, ग्रेड निकालना है कि कौन सा ग्रेड पाएंगे, ए बी सी डी कौन सा ग्रेड है उनका। ठीक है चलिए अब नाम डालते हैं, ठीक नाम डालते हैं, मान लीजिए रोहन, सोहन, मोहन, राम, राज, राज, अनुज ठीक। और आप लोग कर लीजिएगा प्रैक्टिकल में, ठीक इतना कर लेते हैं। अब हमको क्या करना है, हिंदी में वो कितना नंबर पाया, मतलब हिंदी में कितना पाया होगा। चलिए 100 में से मान लीजिए कर देते हैं 66 नंबर पाया होगा। ठीक और सोहन कितना पाया होगा, 55 मान लीजिए। मोहन कितना पाया होगा, 74। राम कितना पाया होगा, 82। राज, पैंसठ। ठीक इसी प्रकार सबका हम क्या करेंगे नंबर लिख लेंगे, जितना जितना जो नंबर पाया रहेगा उसका उसका उतना क्या करेंगे नंबर टाइप कर लेंगे। मान लीजिए 90 नंबर इंग्लिश में पा गए रोहन जी, ठीक इनका ये लिख देते हैं, 33 के नीचे तो फेल ही रहता है, 54, 73, 82। ठीक देखिए ठीक है, मैथ में कितना है, मैथ का डालते हैं 43, 34। मैथ में तो सबका कम ही रहता, 55,
अड़सठ, बहत्तर, चौसठ। ठीक है, देखिए SST उसी प्रकार हम क्या करेंगे, साइंस में भी लिख लेंगे उनका नंबर, जो जो रहेगा नंबर डाल लेंगे। देखिए देखते रहिएगा, ठीक। देखिए उसके बाद SST में क्या करेंगे, लिख लेंगे। देखिए SST में भी क्या करेंगे, सबका नंबर उसी हिसाब से लिख लेंगे, जिसका जितना नंबर, अपना अपना भी निकाल सकते हैं। ठीक, अब टोटल निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, इक्वल टू सम, इक्वल टू सम ओपन ब्रैकेट, और क्या करेंगे, पूरा सेलेक्ट करेंगे किसको, कॉलम को, लेफ्ट वाला प्रेस करेंगे और ड्रैग कर देंगे। ठीक, लेफ्ट वाला प्लस करके और ड्रैग करके और इंटर कर देंगे। क्या हो जाएगा, पांचों सब्जेक्ट में ये मिला के कितना नंबर पाए हैं, 364 नंबर। पांचों सब्जेक्ट को मिला के कितना नंबर पाए हैं, 364। ठीक, अब यहाँ पे उस सेल में जाइए और क्या करिए, जब प्लस का निशान बन जाएगा वहीं से पकड़ के और नीचे साइड क्या करिए, डाउन साइड ड्रैग कर दीजिए। जितना जितना नंबर पाए रहेंगे वो उतना उतना क्या करेगा, शो करेगा कि रोहन पूरा टोटल नंबर कितना पाए हैं। ठीक, सोहन कितना पाए हैं, राम कितना पाए हैं, राज पाए हैं, सबका टोटल करके निकाल देगा। अब हमको निकालना क्या है, परसेंटेज, क्या निकालना है, परसेंटेज। ठीक, उसी प्रकार इसमें भी देखिए टोटल का उसी प्रकार हम किए हैं। ठीक, उसी प्रकार इसमें भी किया गया है, इक्वल टू सम पूरा सेलेक्ट करके इंटर किया गया है, इसमें भी वही चीज है, देख लेते हैं, इसमें भी वही फार्मूला लगता है। ठीक, इक्वल टू सम ओपन ब्रैकेट, ठीक, और सेलेक्ट करेंगे क्या, पूरा सेलेक्ट कर देते हैं, देखिए, और इंटर कर देते हैं, कहाँ गया, देखिए आ गया। ठीक, और परसेंटेज कैसे निकलता है ये देखिए, क्या करना है, टोटल नंबर बटे 500 गुणे 100, टोटल नंबर बटे 500, 500 मतलब कितने पूर्णांक का है, 500। ठीक है, और गुणे 100, चलिए निकालते हैं। ठीक, निकाला जाए, देखिए क्या करना है, इक्वल टू टोटल नंबर को सेलेक्ट करेंगे और क्या बटे, ठीक, कितना 500। ठीक, इनटू क्या, इनटू लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इनटू, ठीक, इनटू का निशान ही नहीं, इनटू लगाएंगे, क्या इनटू लगाएंगे और क्या लिखेंगे, 100, और इंटर कर देंगे। ठीक है, देखिए ये क्या है, इनका परसेंटेज कितना आया है, 72.8, कितना आया है, 72.8 आया है। ठीक, निकालने के लिए क्या करना है, इक्वल टू टोटल नंबर बटे 500 इंटू 100, तो क्या निकल जाएगा, इनका परसेंटेज निकल जाएगा कि ये कितना परसेंट पाए हुए, इसको ड्रैग कर दीजिए, अभी बताया ना, तो सबका परसेंटेज ये बता देगा कि कौन कितना परसेंट पाया है, कौन कितना परसेंट पाया। देखिए 44 पाए, ये 58 पाए हैं, 65, 77, 60। ठीक है, एकदम सरल तरीके से, ऐसा कोई नहीं बताया गया। एक बार आप दोबारा ध्यान दीजिए कि कैसे निकाला गया है। ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं, इक्वल टू और क्या, टोटल मार्क, ठीक, बटे 500, जितने नंबर का रहेगा उतना नंबर डालेंगे। ठीक, इनटू इनटू 100, ठीक, इनटू 100, इंटर, तो अभी वही आया था 72.8। ठीक है, हो गया। उसी प्रकार इसमें भी देखिए किए हैं परसेंटेज, उसी तरीके का इसमें भी निकला, ये अगली बार जो है प्रश्न पूछा गया था, ठीक, प्रैक्टिकल में ये पूछा जा चुका है एक बार। ठीक है, चलिए अब ग्रेड देखते हैं, ग्रेड कैसे निकालना था, तो ग्रेड अभी हम बताए हैं कि क्या करना है। ठीक, देखिए इफ लगाना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इफ लगाएंगे सबसे पहले क्या करेंगे, हम इफ लगाएंगे, देखिए, ठीक, देखिए इक्वल टू
स्क्वायर टू इफ, क्या करना है, स्क्वायर टू इफ, ठीक, ओपन ब्रैकेट स्क्वायर टू इफ ओपन ब्रैकेट, और किसको सेलेक्ट करेंगे बताएगा कोई, किसको सेलेक्ट करना है स्क्वायर टू इफ, किसको सेलेक्ट करना है, देखिए किसको यहां सेलेक्ट कर रहे हैं, देखिए देखिए इसमें क्या कहा, इक्वल टू इफ परसेंटेज, जो परसेंटेज आया रहेगा उसी से हमारा क्या निकलता है, ग्रेड निकलता है, ठीक है, उसी से हमारा क्या निकलेगा, ग्रेड निकलेगा, ठीक, जो हमारा परसेंटेज रहेगा उसी से हमारा क्या निकलता है, ग्रेड निकलता है। देखिए कैसे दिया इसमें इक्वल टू इफ, ठीक, इक्वल टू इफ, उसके बाद जो परसेंटेज है उसको सेलेक्ट किया गया, क्या किया गया है, जो परसेंटेज है उसी को हम सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। चलिए अब अपना निकालते हैं, ठीक, देखिए इक्वल टू, इक्वल टू इफ ओपन ब्रैकेट, ठीक, अभी बताएं जो परसेंटेज उसको सेलेक्ट करेंगे और किस, क्या करेंगे, लेस देन, ठीक, क्या 90, 90, 90 कामा डबल इनवर्टेड कामा, और क्या यस ग्रेड, क्या यस डबल इनवर्टेड कामा क्लोज कामा, ठीक कामा, अब क्या करना है, दोबारा हमको वही चीज लिखना होगा इफ इफ, ठीक, ओपन ब्रैकेट, वही चीज इफ ओपन ब्रैकेट, दोबारा किसको सेलेक्ट करेंगे, परसेंटेज को, ठीक है, परसेंटेज, देखिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं अच्छे से देखे, ठीक है, देखिए अब सबको देखेगा, बड़ा कर दे रहे हैं, ठीक, दोबारा क्या लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद क्या करना हमको, 80, क्या 80, क्या क्या हो जा रहा है, दोबारा चलते हैं लिखते हैं दोबारा से, दोबारा परसेंटेज कम, ठीक, दोबारा करते हैं, ठीक है, कितना है 90, ठीक, कामा इन्वर्टेड कामा, ठीक, कितना हो, कितना रहे 90, अरे 90 कामा इन्वर्टेड कामा, अब होगा सही सबका, ठीक है, यस इन्वर्टेड कामा क्लोज, ठीक है, दोबारा क्या कामा, अब क्या करेंगे इफ, क्या करना है, दोबारा इफ लगाएंगे ओपन ब्रैकेट, दोबारा वही प्रक्रिया करेंगे, किसको सेलेक्ट करेंगे, परसेंटेज को, ठीक है, परसेंटेज को सेलेक्ट किए, ठीक, दोबारा किससे जब वह ज्यादा रहे तो क्या रहे, देखिए दोबारा 80 करिए कामा, ठीक है, कामा डबल इनवर्ट कामा ए रहे, क्या रहे ए, क्या रहे ए डबल इनवर्ट कामा क्लोज कामा, ठीक कामा, अब क्या दोबारा क्या लगाएंगे इफ, क्योंकि डी ग्रेड तक निकालना, कितने ग्रेड तक, डी तक, तो वैसे ही डी तक हम क्या करेंगे चलते जाएंगे, दोबारा क्या लगाएंगे इफ, ठीक इफ ओपन ब्रैकेट, वही चीज करना, सेलेक्ट करना किसको, परसेंटेज को, एक ही परसेंट को सेलेक्ट करिए सबका निकाल देगा, ठीक है, एक ही सेल को सेलेक्ट करते चलिए सबका वो निकाल के दे देगा, ठीक है, दोबारा करते हैं, कितना किए 80, अब हो जाएगा कितना 70 कामा, ठीक है कामा, क्या है बी आए, क्या है बी, ठीक है डबल इनवर्टेड कामा क्लोज कामा, फिर दोबारा क्या करेंगे इफ लिखेंगे, देखते रहिएगा, ठीक, दोबारा क्या लिखेंगे इफ ओपन ब्रैकेट, दोबारा सेलेक्ट करते हैं, दोबारा लगाते हैं और 60 करते हैं, ठीक कामा डबल इन्वर्टेड कामा, कितना रहे 50, कितना रहे 50, कितना रहे, कौन सा ग्रेड रहेगा सी ग्रेड रहेगा, कौन सा सी ग्रेड, इन्वर्टेड कामा क्लोज कामा, ठीक, और क्या दोबारा क्या लिखेंगे इफ लिखेंगे, देखिए ओपन ब्रैकेट, ठीक, और फिर दोबारा सेलेक्ट करते हैं, कितना करें 50, कितना करें 50, ठीक, और क्या करना हमको लेस देन,
कितना? 50। 60 हो गया, 50 कामा डबल इन्वर्टेड कामा क्या हो जाए? डी हो जाए, डबल इन्वर्ट कामा क्लोज, ठीक। कामा इफ ओपन ब्रैकेट, ठीक, ओपन ब्रैकेट, और इसके बाद क्या रहे? वही सेलेक्ट करिए, डी हो गया ई, ठीक। क्या रहना, क्या आ जाए? 40 कामा इन्वर्टेड कामा, ठीक, इन्वर्टेड कामा ई, ई रहे, इन्वर्टेड कामा क्लोज कामा, ठीक। उसके बाद क्या रहे? फेल रहे, क्या रहे? फेल, क्या रहे? फेल रहे, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो क्या आ गया ये? देखिए ये आ गया कौन सा ग्रेड? बी वाला ग्रेड आ गया। कौन ग्रेड आ गया? बी वाला, ठीक है, देख लीजिए, ठीक। इधर करिए, सब देखिए, ठीक है, कौन सा ग्रेड है? बी। ई क्या है? ये देखिए 44 से कितना किए हैं? 44 से अगर क्या रहेगा बोले, ठीक, तो ये क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे, ई आ जाएगा, ठीक। अगर 44 से कम रहेगा तो क्या आएगा? फेल आएगा। देखते हैं, 44 से कम करिए इसको तो ये क्या हो जाएगा? फेल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे, ठीक। सब निकल गया, हमको आशा है कि आप लोग सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो आप लोग क्या करिएगा? कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।